सेफ्टीनेट फेल्ड, सेफ्टीनेट सीटीएस प्रोफाइल फेल्ड। तो अगर आपका भी ये एरर आ रहा है या आपका भी ये प्रॉब्लम अकर हो रहा है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 97-98% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो वीडियो पे आते हैं। तो सेफ्टी नेट प्रॉब्लम जो है ये बहुत लोगों का होता है, और अगर आप कस्टमर यूज़र हैं तो आपको भी ये सेफ्टी नेट का इशू कभी ना कभी फेस करना पड़ा होगा। लेकिन अगर आपका ये इशू है तो इसे जो है कैसे फिक्स करना है, वैसे तो मैंने इस पर जो है ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं, बट वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, उतना भी आउटडेटेड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो काम करता है। बट यहाँ पर जो है मैजिक वर्जन 24 आ गया है, और मैजिक वर्जन 24 में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर आप उस चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है उस आई बटन पर क्लिक करके जो है आप मैजिक वर्जन 24 से रिलेटेड चेंजेस के बारे में जान सकते हैं। और इस वीडियो में जो है मैं बताऊँगा कि कैसे जो है आप सेफ्टी नेट फील्ड को जो है आप कैसे फिक्स कर सकते हैं मैजिक वर्जन 24 ऐप के साथ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है गूगल के अंदर और यहाँ पर सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल यहाँ पर जो है हम टाइप करेंगे, ठीक है। ये टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा गिटहब का, ये रहेगा के ड्रैगन की तरफ से। और यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, आपको बस इस पर टैप करना है और सबसे नीचे तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको रिलीजेस का सेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको 12 रिलीज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है उसको जो है आपको गेट कर लेना है। आप देख सकते हैं सेफ्टी नेट फिक्स वर्जन 2.2.1.zip। तो इस पर हम टैप करेंगे और ये जो है हमें ऑप्शन देगा कहाँ पर जो है आपको इसको सेव करना है। तो यहाँ पर जो है हम डाउनलोड्स के अंदर जो है इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हो गया। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, आपको फिर से जाना है न्यू टैब में, और न्यू टैब में आपको यहाँ पर सर्च करना है मैजिक हाइड प्रॉप्स कॉन्फ़िग। मैजिक हाइड प्रॉप्स कॉन्फ़िग, ठीक है। ये टाइप करने के बाद जो है आपको गिटहब का जो है पहला लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है उस पर टैप करना है और सबसे नीचे आएंगे। ओके, यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा रिलीजेस के अंदर, और ये यहाँ पर जो है लास्ट रिलीज़ जो हुआ था वो था 9 नवंबर 2021। वैसे इसका कुछ खास मैंडेटरी है नहीं मैजिक वर्जन 24 में, बट फिर भी जो है आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर इन केस काम नहीं करता है तो, क्योंकि ये एंड्रॉयड 12 में काम करता है तो ये करना चाहिए। तो फिर भी जो है हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने सेव किया और इसके बाद हम बैक करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मेरा जो सेफ्टी नेट है वो वैसे तो ऑलरेडी पहले से पास है, बट मैं आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका अगर जो है एरर आता है तो आपको करना क्या है। तो यहाँ पर सेफ्टी नेट के अंदर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये मेरा ऑलरेडी पास है, तो यहाँ पर रन टेस्ट करेंगे तो ये मेरा जो है पास दिखाएगा, बट आपका जो है वो फेल दिखा रहा है। तो मैं जो आपको प्रोसीजर बताऊंगा आपको जो है वैसे ही फॉलो करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर डिवाइस है योर रेडमी नोट 9 प्रो पास्ट, ठीक है, और आपको मैजिक के अंदर जाना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं मैजिक के अंदर। मैंने जो है मैजिक को हाइड किया हुआ है क्योंकि जो है मैं रूट को जो है हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैजिक में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जायजिस्क इन्फो डिनाइलिस्ट। अगर आप जायजिस्क या डिनाइलिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और डिनाइलिस्ट जो है कैसे यूज़ करना है और वो जो है कैसे काम करता है, उसके बारे में भी जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वो भी लेटेस्ट जो है मैंने हाल फिलहाल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर से देखें, वो वीडियो जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को जो है आप देख लेंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये काम भी आसान हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जायजिस्क इनेबल करना है, अगर आप जायजिस्क इनेबल नहीं करेंगे तो जो है जो इन्फोर्स डिनाइलिस्ट है वो भी जो है आपका इनेबल नहीं होगा, तो आपको इसे इनेबल करना है, और ये भी ऑफ रहेगा तो आपको इसे ऑन कर लेना है। कॉन्फ़िगर डिनाइलिस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर यहाँ पर टैप करना है, ठीक है,
थ्री डॉट में टैप करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो सिस्टम ऐप्स। तो यहाँ शो सिस्टम ऐप्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल सर्विसेज, सॉरी प्ले सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे हम आधा ऐसे टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो है टिक कर देना है इस पर, और जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी ये सारा ऑप्शंस है, यहाँ पर जो है सब सारा कुछ जो है आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद फिर आपको दूसरा और वो जो है बिल्ट इन इसका फ्रेमवर्क है उसे ऑन करना होगा। तो यहाँ पर जो है हम टाइप करेंगे फ्रेमवर्क। तो जैसे ही हम फ्रेमवर्क टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा गूगल सर्विस फ्रेमवर्क। इस पर जो है आपको टिक करना है और यहाँ पर जो है ये दोनों सेटिंग्स को जो है टिक कर देना है। इसके बाद बैक करेंगे हम। सबसे पहले तो आप ये करने के बाद आप चेक करें कि क्या आपका सेफ्टी नेट जो है पास हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो सब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको मैजिस में आना है और यहाँ पर जो है आपको मॉड्यूल्स वाले सेक्शन में जो है आना है। ठीक है, मॉड्यूल्स वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर जो है रिपोजिटरी हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिपोजिटरी फिर से आए और उसे जो है इंटीग्रेट करे और जो है हम लोग वैसे जैसे पहले इंस्टॉल कर देते हैं मैजिस मॉड्यूल्स को, अगर आप वो भी चाहते हैं उसके बारे में भी मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं वो आई बटन पर क्लिक करके। तो फिर से हम लोग आते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नहीं है डायरेक्टली इंस्टॉल करने के लिए वो रिपोजिटरी से, तो यहाँ पर जो है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो एक ही ऑप्शन बचता है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, तो यहाँ पर जो है हम टैप कर लेंगे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज। यहाँ पर जो है हम थ्री डॉट्स पे जाएंगे और जहाँ पर जो है आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ पर आपको जाना है। तो यहाँ पर जो है इस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेफ्टी नेट फिक्स, जो कि मैंने अभी ही जो है मैंने उसे सेव किया है। तो इस पर हम टैप करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वैसे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे दोबारा से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस अपने फ़ोन को जो है रिबूट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं टैप करूँगा तो यहाँ पर जो है एडवांस में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो है सिस्टम में आपको कर देना है, लेकिन जो है मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो जो है मेरा वीडियो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद जो है आपको फिर से सेफ्टी नेट चेक करना है कि क्या आपका सेफ्टी नेट जो है वो काम कर रहा है, पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद जो है वो पास करना चाहिए। तो इसके साथ साथ और एगो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर जो ये जो प्ले स्टोर है इस पर अगर हम जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पर जो है सेटिंग्स के अबाउट सेक्शन में इसके जाएंगे, तो यहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल में टैप करता हूँ या सेटिंग्स पे जाएंगे या अबाउट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेरा डिवाइस जो है वो सर्टिफाइड है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सर्टिफाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर आपका सेफ्टी नेट फिक्स हो गया तो ये भी जो है आपका फिक्स हो जाएगा। मैं जो है ये चीज़ मैं पहले सेफ्टी नेट वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर इस वीडियो को जो है अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है मैजिस वर्जन 24 जो है आ गया है। तो यहाँ पर आपका इस तरह कुछ दिखेगा, यहाँ क्रोम में आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं गया और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो है आपका दिखेगा कि प्ले स्टोर अनसर्टिफाइड। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं डिवाइस सर्टिफिकेशन अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो इसको जो है आपको कैसे फिक्स करना है, फिर जैसे ही आपका सेफ्टी नेट वाला प्रॉब्लम फिक्स होगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा, बट यहाँ पर जो है प्ले स्टोर में वो अपडेट नहीं होता है। तो उसको अपडेट करने के लिए क्या करना है, आपको इस पर टैप करना है, आई बटन पर क्लिक करना है, मोर पे जाना है और आपको जो है इसका डेटा क्लियर कर देना है। तो यहाँ स्टोरेज इन कैश पे जाएंगे और यहाँ पर क्लियर डेटा करेंगे और आपको ओके कर देना है। ओके कर देना है और आपका जो है डेटा क्लियर हो जाएगा और इसके बाद जो है आपको ओपन करना है और आपका जो है यहाँ पर जो है डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस मैं आपका एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे करना है, आपको डेमो दिखा रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं ऐसे कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है ऑलरेडी सब कुछ वर्किंग है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेफ्टी नेट वाला जो है वो काम नहीं करता है, ये जो मॉड्यूल है सेफ्टी नेट फिक्स यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स जो मैजिस मॉड्यूल, अगर वो काम नहीं करता है तो आपको क्या करना है, आपको जो है मैजिस हाइट प्रॉप्स कॉन्फ़िग जो है उसको भी जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर ये जो मैंने जो है सेव किया था, ठीक है, इसको भी जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है
और बस आपको रिबूट कर देना है और इसके बाद जो है आपका डेफिनेटली जो है फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे तो ये नहीं करना है मुझे, और कभी कभी ये जो है रोम के कारण भी सेफ्टी नेट पास नहीं होता है। इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे तो जो आपको फिक्स हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मेरा जो सेफ्टी नेट है वो जो है ऑलरेडी वर्किंग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इसे फिक्स करना है तो आपको प्ले स्टोर वाले जो उसको जो है फिक्स कर लेना है, ठीक है। इस पर टैप करके आपको डेटा क्लियर कर देना है और सारा चीज़ जो है आपका फिक्स हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।